हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को मेरे नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो आज है डे 9 ऑफ नवरात्रि, यानी कि नवरात्रि का आखिरी दिन। आज है रामनवमी। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को विश करती हूँ हैप्पी रामनवमी टू ऑल। भगवान श्री राम और माता रानी हम सबके लाइफ पर अपना कृपा दृष्टि रखे और हम सब लोग को हमेशा रक्षा करे। तो सुबह सुबह ही आज मैं पूजा पाठ में लगी हूँ और यहाँ पे अभी मैं मेन डोर के सामने स्वास्तिक बना रही हूँ। और ये वाला जो रंगोली है ये मैंने बहुत पहले बनाया था, लक्ष्मी पूजा के टाइम शायद मैंने बनाया था, अभी भी है, बहुत अच्छे से है। तो स्वास्तिक जो है मैं अभी बना रही हूँ हल्दी और कुमकुम से। तो यहाँ पे मेरा हो गया। अभी मैं फूल रखने वाली हूँ मेन डोर के सामने, दोनों साइड पे एक एक और बीच में एक। ये मेरा हर रोज का है, हर रोज मैं पूजा करने के बाद बाहर एक दिया और एक ग्लास पानी में रख देती हूँ, लेकिन आज पूजा का दिन है तो स्वास्तिक वगैरह बना के मैंने रख दिया है, अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे अभी मेरा मेन पूजा स्टार्ट होने वाला है मेरे घर के मंदिर का। तो यहाँ पे मैं अभी माता रानी का आरती उतार रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी भगवान श्री राम का भजन थोड़ा चला दिया टीवी में, थोड़ा फेस्टिव वाइब्स आने के लिए। तो अभी हम सब लोग बैठ के अभी देख रहे हैं, पूजा का दिन है तो सुबह सुबह आरती भजन जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना मन को भी। यहाँ पे मैं अभी निकाल रही हूँ आटा लंच के लिए, इसको मैं अभी गोल के रख दूंगी। वैसे मैं नवरात्रि के टाइम, मतलब हर टाइम, चाहे चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, नवमी के दिन मैं माता रानी पे कुछ प्रसाद बना के भोग चढ़ाती हूँ, लेकिन इस बार जो है हम नहीं कर पाएंगे। विशु के टाइम हम लोगों ने जैसे बोला था तो एक साल तक ये सब नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मैं कुछ आइटम्स बनाने वाली हूँ, पूजा का दिन है तो वही हम लोग लंच के तौर पे आज खाएंगे, देखते हैं क्या बनाती हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं छत पे, कपड़े थोड़े मैंने वॉश किए थे तो धूप भी आज इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, तो सोचा छत पे ही जाके देते अच्छे से सूख जाएगा बोल के। और बाबा को देखो कुछ हेल्प तो नहीं करेगा, बस इधर से उधर भाग रहा है। उसको बोला है कि आप थोड़ा साइड होके खेलो, उस साइड जाके खेलो, नहीं उसको यहाँ पे बीच में रहना है और टांग रहना है, देखो क्या क्या कर रहा है, इधर से उधर बस चल ही जा रहा है। जैसे ही हम लोग छत पे आए, धूप तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हीट, बाप रे क्या ही बताऊँ, कपड़े तो सूख ही जाएंगे नो डाउट, अभी हम लोग सूख रहे हैं, इतना ज़्यादा हीट है मैं क्या ही बताऊँ। वेदर थोड़ा जब क्लाउडी होता ना तो हम लोग छत पे ही जाके कपड़े देते हैं ताकि जल्दी से सूख जाए वो, कि नहीं तो दो दिन लगता है सूखने में। और यहाँ पे अभी मैं रूम पे आ चुकी हूँ और अभी थोड़ा मैं एप्पल खा रही हूँ बैठे बैठे, लोगों को भी दिया। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है लॉन्गचाक, इसको स्टिंग बीन्स भी बोलते हैं, हमारे में इसको लॉन्गचाक बोलते हैं। इसका जो स्किन होता है इसको पील ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये हम लोगों ने लिया है ऑनलाइन से, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट से नहीं, एक है जो ऑनलाइन सेल करता है या करती है मेरे को वो सब पता नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है, फेसबुक में देखा था शायद एक बार, तो वहाँ से मंगवाया है, वो आसाम से ही बिलोंग करते हैं। तो ये एक हफ्ते के अंदर ही आया है। इसका जो स्किन होता है वो निकाल कर इस तरह से वो सेल करते हैं। एक के जी जैसा हम लोगों ने मंगवाए थे उसमें से हाफ के जी हम लोगों ने बुआ को दे दिया है, हमारी बुआ जो यहाँ पे रहती है बेंगलोर में, तो उसको हाफ के जी दे दिया है और हम लोगों ने हाफ रखा है। ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया है, मैंने निकाल के यहाँ पे ही रखा है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो एक हफ्ते के अंदर तो आया, लेकिन मैंने एक दो दिन धूप में रखा। कभी कभार सब्जी में भी डाल के खाते हैं, ऐसे ही रोस्ट करके भी खाते हैं। ये वाला जो है ना ये मेरे इनोस के साइड से आया है, पापा ने भेजा है, ये पूरा ड्राई करके भेजा है। ये घर में सुखाया गया है, इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये पूरा ड्राई है तो ख़राब नहीं होता है। ऑनलाइन जो हम लोगों ने अपने साइड से लिए वो ही अभी खा रहे हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा इसलिए ये अभी मतलब ख़राब हो जाएगा बोल के ये पहले खा रहे हैं। और ये जो लॉन्गचाक होता है स्टिंग बीन्स, ये ज़्यादातर नॉनवेज के साथ ही अच्छा लगता है, वेज के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, वेज के साथ भी हम लोग खा सकते हैं, सब्जी में डाल के या किसी वेज करी में भी हम लोग डाल के खा सकते हैं, लेकिन नॉन वेज के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग का जो इरोल्पा होता है या इरोल्पा या इरोम्बा बोलते हैं, जो हम लोग सिदोल से बनाते हैं, उसमें अगर ये वाला एक दो डालते हैं ना तो बोलते हैं ना स्वाद बढ़ जाता है। फिलहाल तो हमारा वेज चल रहा है, विशु के दिन से हमारा वेज चल रहा है, विशु के दिन तो वेज तो रहता ही रहता है। तो विशु के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हुआ षष्ठी, नवरात्रि का षष्ठी, बेसिकली नवरात्रि के 6 डे से हमारा पूजा वगैरह जो भी होता है वो स्टार्ट होता है, हम लोग 6 डे से ही मानते हैं।
तो उस दिन से हमारा स्टार्ट हुआ है वेज, तो विशु के दिन से ही पकड़ लो। तो एक दिन मैं अच्छे से नॉन वेज बना के, ये स्टिंग बीन जो होता है इसको भी मैं डाल के, किस तरह से हम लोग बनाते हैं, किस तरह से हम लोग खाते हैं, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे आज का हमारा लंच रेडी है, रामनवमी स्पेशल। भोग तो नहीं चढ़ा पाए लेकिन आज पूजा का दिन है तो कुछ इस तरह से मैंने आज बनाया है। और राइस के ऊपर जो मैंने रखा है वो मिंट लीव्स है, ऐसे ही मैंने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए रखा है। तो मैंने आज लंच पे बनाया है पूरी, दो तरीके का सब्जी, मटर दाल, चटनी और चना बॉईल किया है साथ में। तो ये है आज का लंच। अभी यहाँ पे शाम हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ मिल्क लेने फार्म से। तो कुछ लोग मिल के जाते हैं हम लोग हर शाम को। और अभी यहाँ पे हो रहा है हमारा इवनिंग चाय, और मैंने आज ग्लास में थोड़ा सा चाय लिया है। ग्लास में पीने का मेरे को मन किया तो आज मैंने ग्लास में लिया है। वैसे मैं हर रोज़ तो नहीं पीती चाय वगैरह, आज पीने का मेरा मन किया तो मैंने थोड़ा सा लिया है। और उसको देखो कितना मस्त बैठा है और खा रहा है और पी रहा है। चना फ्राई किया है मैंने साथ में तो पी रहा है। और अब है मूवी टाइम, हम तीनों बैठ के ऐसे मूवी देख रहे हैं। और अभी एक चीज़ देखना आप लोग, बाबाई का एक्साइटमेंट लेवल है। मूवी देख रहा है साथ ही साथ उसका एक्साइटमेंट लेवल देखना, वो ज़्यादा जब मतलब नर्वस होता है या ज़्यादा खुश होता है या ज़्यादा जब डर जाता है तभी ऐसा करता है। पहले से ही देखो, सीन जितना गर्म होता रहेगा उस साइड इसका एक्साइटमेंट लेवल भी इधर बढ़ता रहेगा। देखो देखो कैसे कूद रहा है, इट मीन्स बहुत नर्वस है वो। पहले से ही वो बाबा ऐसा ही करता है, एक मूवी चलाने से बस उसका शुरू एक्साइटमेंट लेवल ऐसा ही चलता रहता है। तो चलो वैसे इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत जल्द और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।